आयरन मैन पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तबादला होने से शहर भर में काफी चर्चा है। कल शाम राज्य सरकार ने कई आईपीएस अफसरों के तबादले किए, जिसमें पिंपरी चिंचोड़ शहर के यंग डैशिंग पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश का नाम भी शामिल है। अपर पुलिस आयुक्त, सहायक आयुक्त और कुछ नगर आयुक्तों का तबादला इस दौरान किया गया, जिसमें पिंपरी चिंचोड़ शहर पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश का तबादला भी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आईपीएस अंकुश शिंदे को पिंपरी चिंचोड़ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इस दौरान शहर के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश को पिंपरी चिंचोड़ से वीआईपी सुरक्षा विशेष पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य मुंबई में स्थानांतरित किया गया है। पिंपरी चिंचोड़ पुलिस आयुक्तालय बनने के बाद अब तक 3 आयुक्त हुए, लेकिन तीनों आयुक्त ने अपना अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही शहर को अलविदा कहा। सबसे अधिक चर्चा में पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश रहे। कृष्ण प्रकाश ने हमेशा अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों से संपर्क बनाया, साथ ही मीडिया में काफी चर्चा में रहे। पिंपरी चिंचोड़ शहर पुलिस कमिश्नर का पद कृष्ण प्रकाश ने 1.5 साल पहले संभाला था। शहर को जीरो टॉलरेंस बनाने का संकल्प लेकर आए थे और काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी रहे। कई गैंग पर मकोका के तहत कार्रवाई की, कितने लोगों को तड़ी पार किया, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन कहीं न कहीं शहर का क्राइम रोकने में कृष्ण प्रकाश असफल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सांस न्यूज, पिंपरी चिंचोड़।